ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में ये दे रखा है कि x प्लस तीन जो है वो x छोटा हो गया किससे, तीन से, और तीन बड़ा हो गया और बराबर भी है, और सिक्स एक्स प्लस टू जो है वो उससे x बड़ा हो गया किससे, तीन से। तो उस समय हमें तीन पे क्या दिखाना है, सत्यता दिखाना है। तो ये दिखाना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके लिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हमारे पास जो है पहले क्या निकालते हैं, अपनी लिमिट, क्या निकालते हैं, अपनी लिमिट, और इसके उसमें हमने जो सारे फॉर्मूले हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। अब हमें क्या करना है, खाली क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी लिमिट, अपनी लिमिट एक्स इजिकल टू किस पे, तीन पे। तो जब एक्स एफ एक्स इजिकल टू, अपनी लिमिट हम निकालेंगे एक्स इजिकल टू किस पे, तीन पे। तो एक्स इजिकल टू देखो ये है, क्यों, क्योंकि x से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो कितना आ जाएगा, x प्लस थ्री आ जाएगा, x प्लस थ्री। अब इस x की जगह तीन रखोगे तो तीन और तीन कितने हो जाएंगे, छः, यानी अपनी लिमिट कितनी आ गई, छः। जब तुम्हें अपनी लिमिट मिल गई तो कौन सी लिमिट निकाला जाता है, राइट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या करते हैं, लिमिट हमारे पास तो क्या रहेगा, h टेंस टू जीरो, लिमिट तो हमेशा h टेंस टू जीरो ही रहेगा। इसके बाद ये जो है x क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, x क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, तीन प्लस h, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितना है इस समय, तीन ही तो है। तो x जब बड़ा हो गया तो किससे बड़ा होगा, तीन से बड़ा होगा, तो इसीलिए क्या लेके चलेंगे, तीन प्लस h, और लिमिट h टेंस टू जरा x देखो बड़ा है, तो ये रहा x बड़ा है किससे, तीन से, तो कौन सा आ रहा है, इसके सामने ये आ रहा है कितना, 6x प्लस टू। तो यहाँ रख दो, लिमिट h टेंस टू तो जीरो है, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 6, इस x से जगह कितना हो जाएगा, 3 प्लस h और प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और ये हो जाएगा 6h प्लस 2। अब जब h टेंस टू जीरो रखोगे तो ये तो जीरो हो गया, क्या बचेगा, 18 और 2 20, कितना बचेगा, 20। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, 20। अब हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने बताया था कि जो लिमिट है वो तो h टेंस टू जीरो ही रहती है, लेकिन जो हमारा x है वो किस में हो जाता है, माइनस में, किस में हो जाता है, माइनस में। तो उस कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, लिमिट हमारे पास h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू तो जीरो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ हम ये कर लेंगे, हमारा जो x है वो छोटा हो गया, इसका मतलब 3 माइनस h लेके चलेंगे, x इजिकल टू 3 माइनस h। अब ये देखें, हमारे पास जब x छोटा हो गया तो कौन सा कंडीशन, देखो x छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया, तो ये रहा कितना है हमारे पास, x प्लस 3। अब यहाँ x से जगह कितना रखना है, 3 माइनस h, तो हो जाएगा 3 माइनस h प्लस 3, और लिमिट तुम्हें पता ही है कि लिमिट क्या चलना है, h टेंस टू 0, जब ये 0 रखोगे तो ख़त्म, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा जो अपनी लिमिट है वो लेफ्ट के तो बराबर हो गई, लेकिन राइट से बराबर नहीं हुई, तो उस समय क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी बोले तो ये हो जाएगा असतत, क्या हो जाएगा, असतत। तो देखो इसे लिख देंगे, अपनी लिमिट जो है वो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर, और किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असतत, क्या हो जाएगा, असतत, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो।